होंडा कंपनी के गाड़ियों में HSRP प्लेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोम ब्राउजर में टाइप करना होगा HSRP UP और दिल्ली से, तो यही टाइप कीजिए। अदर स्टेट से हैं तो अपना स्टेट लिख दीजिए। ओपन कीजिए, फर्स्ट साइट आती है बुक माई HSRP। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कलर स्टिकर और ओनली कलर स्टिकर। इसके ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आता है, आप इससे यहाँ से अपना ऑर्डर ट्राई कर सकते हैं, शेड्यूल अपॉइंटमेंट, कैंसिल ऑर्डर, इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बैक चलते हैं, यहाँ से पीली पट्टी पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप में व्हीकल मेक का। यहाँ से आपकी जो गाड़ी है आप उससे चूज कर लीजिए। अभी मैं 2-व्हीलर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी का नाम आ जाता है, जिस भी कंपनी की गाड़ी है आप यहां से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल अभी अपडेट हुई है साइट, तो यहां से कुछ कंपनियां बढ़ चुकी हैं। अभी मैं होंडा पे क्लिक करता हूं। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट साइट आती है, यहां पे आप स्टेप 2 में पहुंच जाते हैं। यहां से स्टेट आपको सिलेक्ट करना हो, 2 स्टेट आते हैं इसमें, तो UP अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है सिलेक्ट मेक पे यहाँ पे जो है आपको कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कंपनी होंडा की आती है, तो इसमें केयरफुल आपको रहना होगा। यहाँ पे होंडा कार्स लिमिटेड के लिए है और सेकंड जो यहाँ पे नीचे आता है होंडा 2-व्हीलर्स के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से स्टेट अपना उत्तर प्रदेश, सिटी में डाल देना होगा अपना सिटी। उसके बाद यहाँ पे डीलर में आप जो है अपना जो आपका डीलर होगा नज़दीकी, आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैं श्री ग्रैंड होंडा पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जस्ट नीचे फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज आएगा। अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर डालना होगा, ओनर नेम में गाड़ी का मालिक का नाम, एड्रेस डालना होगा, सिटी स्टेट अपना सिलेक्ट करना होगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल दीजिए, GST नंबर आपके पास अवेलेबल है डालिए वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद जनरेट OTP पर जैसे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाता है, जनरेट OTP। अब उसके बाद OTP यहाँ इंटर करिए। जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको चेंजेस नंबर और इंजन नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे व्हीकल क्लास में आपको डाल देना होगा एक्टिवा, जो भी आपका आप व्हीकल क्लास हो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। व्हीकल टाइप में आपको यहाँ पे प्राइवेट कर देना होगा, फ्यूल टाइप में आपको यहाँ से जो भी आपका फ्यूल लगता हो गाड़ी में, तभी मैं पेट्रोल सेलेक्ट करता हूँ। RTO में आप यहाँ से मैं अलाहाबाद RTO सेलेक्ट करता हूँ, आपका जो RTO आप सेलेक्ट कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन डेट, जिस तारीख को आपकी गाड़ी निकली थी, रजिस्ट्रेशन डेट डालने के लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद 2019 पर जैसे ही क्लिक करते हैं फिर यहाँ 2019 भी क्लिक कीजिए, ईयर आ जाता है। यहाँ से मैं 2014 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से तारीख 12 तारीख। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से जो है आप रेट देख सकते हैं, प्रीव्यू एंड फंड जो है आप यहाँ से देख सकते हैं जितना प्लेट की साइज। उसके बाद यहाँ से आपको जो है नेक्स्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे आपको RC की कॉपी अपलोड करनी होगी, ID प्रूफ में आप यहाँ से जो है वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर, तो यहाँ से आपको ID भी एक देनी पड़ती है होंडा कंपनी में। अब यहाँ से मैंने पैन कार्ड में ID अपलोड कर दी है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट डेट के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे ये इस पर कॉलम पे क्लिक करते हैं जो रेड है, यहाँ से जो स्लॉट बुक है आप इस पर नहीं क्लिक कर सकते, जो ब्लैक है ये अवेलेबल है। तभी मैं 21 तारीख पे सेलेक्ट करता हूँ, तो 21/11/2020 जो है अवेलेबल है। अब उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। अब पेमेंट मेथड में UPI सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ोनपे, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद पे नाउ पे जो है क्लिक कर देना होगा, तो ये फ़ोनपे पे जो है रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट होने के बाद आपको इस तरह का कुछ पेज दिखाई देगा, यहाँ पे डाउनलोड व्यू पे आप क्लिक करके जो है रसीद को डाउनलोड कर लेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।